हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की बात करेंगे। आप 2 से 3 सेकंड में ही चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल कर देंगे, ऐसी ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 वर्ष के लिए जो आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है वो है 2:1। 3 वर्ष के लिए यदि पूछा जाए तो 3:3:1। 4 वर्ष के लिए पूछे 4:6:4:1। ये आप याद रखिए, यदि आपसे 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो ये लगाना है, 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो ये लगाना है, 4 वर्ष के लिए पूछा जाए तो ये लगाना है। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, वो आप देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है 2 वर्ष का, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाला 2:1। इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और मैं बताता हूँ, यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मौखिक ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। 2 वर्ष का पूछा जाए तो 2 वर्ष का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दिया गया है दोस्तों। अब आपसे पूछा गया है 20%, मतलब 3000 का 20% पूछा गया है। तो 3000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 600 आएगा। 3000 का 20% 600 आएगा। अब इस 600 का भी आपको 20% निकालना होगा, तो जब 600 का 20% निकालेंगे तो 120 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 120 आएगा। अब आपको क्या करना है, पहले जब आपने निकाला था 20% वो इसके ऊपर रखना है, दोबारा में जो निकाला है वो इसके ऊपर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 6 का करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1200, प्लस कर देना है। फिर 120 को करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 120, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1320 रुपये। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना है आपका, 1320 रुपये। ये आया है दोस्तों आपका ब्याज, ये आपका ब्याज आया है दोस्तों। अब आपको मिश्रधन पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 3000 में प्लस कर देना है 1320, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4320 रुपये। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 1320। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में प्लस कर देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाएगा, 1320 आया है। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो ये देखा था हमने 2 वर्ष के लिए, अब देखेंगे 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, 8000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये है दोस्तों आपका 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए क्या रेशियो बताया था हमने, 3:3:1, ये बताया था, लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 8000 रुपये है, 8000 रुपये का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फिर 400 का 5% निकालेंगे तो 20 आएगा। अब 20 का 5% निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्त, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 4 तिया हो जाएगा 1200, प्लस कर देंगे 20 तिया हो जाएगा 60, प्लस कर देंगे 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1260 मतलब 1261। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मौखिक ही आप इन्हें हल कर सकते हैं, बस आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये देख लिया हमने 3 वर्ष के लिए दोस्तों, अब देखेंगे 4 वर्ष के लिए कैसे इसे यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है, 5000 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 वर्ष के लिए, जो 4 वर्ष का रेशियो था उसे लिख लीजिए। क्या रेशियो था आपका, 4:6:4:1, ये था दोस्तों, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना होगा, 5000 का 4% निकालेंगे तो 200 आएगा। अब 200 का 4% निकालेंगे तो 8 आएगा, 8×4=32, 8 का 4% निकालेंगे तो 8×4=32 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा। आप 0.32 का 4% निकालेंगे तो 32×4=128, तो ये हो जाएगा 128। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो संख्या से पहले पॉइंट है, यहाँ पर 4 से पहले पॉइंट आएगा, आ गया दोस्तों। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2×8 मतलब ये हो जाएगा 800, प्लस 8×6=48, ये हो गया दोस्तों। इसका करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 1.28, इसका करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 0.0128, ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। अब देखिए पॉइंट से पहले वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, पहले पॉइंट से पहले वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो 849, 848 और एक ये वाला 849, पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 2928, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही दोस्तों आपका क्या हो गया, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया।
दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, ये रेशियो वाली जो विधि है आप बस इसको याद रखिए। 2 वर्ष के लिए पूछा गया है तो, 3 वर्ष के लिए पूछा है तो, या 4 वर्ष के लिए पूछा है तो हमने तीनों ही तरीके से आपको करके दिखा दिया है। 5 वर्ष के लिए दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यदि आप कहेंगे कि 5 वर्ष के लिए बताइए तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 5 वर्ष के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो, 4 वर्ष तक ही पूछा जाता है। तो आप इन 4 वर्ष तक की ट्रिक याद रख लीजिए, उसके बाद आप मौखिक ही इसको आंसर कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।